नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद पहुंचकर प्रियंका गांधी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं मुरादाबाद की बहू हूं, आप लोगों ने मेरे परिवार को संभाला है। उन्होंने मुरादाबाद के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आप लोगों से पूछती हूं, क्या आप अपने घर की बहू को हार रहने देंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार की बहू न्याय की लड़ाई में पीछे रहे? क्योंकि मैं एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं और लड़ती रहूंगी। मैं हार में भी चुप रहने वाली नहीं हूं। मैं अफसोस करती हूं कि मुरादाबाद देर से आई हूं, अब आई हूं तो आती रहूंगी और मुरादाबाद वासियों का दुख दर्द भी बांटूंगी। देहात विधानसभा हाजी इकराम कुरैशी के पक्ष में वो रोड शो कर रही हैं। इसके अलावा शहर विधानसभा हाजी रिजवान कुरैशी के पक्ष में उन्होंने मतदान की भी अपील की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सपा पर चोट करना ना भुलाकर सपा पर चोट करने के उपरांत ही उन्होंने बीजेपी की सरकार की कथनी और करनी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने योगी और मोदी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि मैं आप लोगों के बीच कुछ मांगने आई हूं, आशा करती हूं कि आप लोग मुझे देंगे। मैं आप लोगों से मुरादाबाद देहात और नगर सीट के प्रत्याशियों को जीतकर लखनऊ भेजने की अपील करने आई हूं। गोवर्धन के गांव जलहेदी के ग्रामीणों ने राधा कुंड चौकी प्रभारी पर एक तरफा वोट डालने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि उनको भद्दी भद्दी गालियां देकर दरोगा ने वोट नहीं डालने दिया, मतदान अभिकर्ता को पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। डालो नहीं तो यहाँ से जाओ। अच्छा, पूछ रहा है वो पहले से पूछ रहे हैं, पहले वोट डालने से पहले पूछ रहे हैं क्या आपसे? हाँ जी, ये घुसने की दवाई की तो बात है। कौन लोग हैं, कौन लोग हैं वो? ये तो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है राधा। मैंने आप बता कौन है साहब? मेरी सुनो सर, मैं ये जब वहाँ आई थी मैं एजेंट हूँ, मैं अंदर था। जब ये आ रही थी इनसे पूछताछ की, इन्होंने शोर किया तो मैंने पूछा क्या बात है, कैसे से पूछ रहे हैं नल पे वोट डालो? मैंने सर ये तो गलत है, तुम ये गलत काम कर रहे हो, मत करो। मुझको पकड़ के यहाँ से कॉलर, मेरी घंटी फंटी सब तोड़ दी, देखो। हाँ छोड़ो, मेरा पकड़ के कॉलर मुझको बाहर निकाल दिया। ना साले, इतनी मार दूंगा, इतने मुकदमे लिखूंगा तुझ पे, तो उसमें नहीं आएगा चौकी इंचार्ज में। तू तो है ना, ये देखो मेरा, मुझे मुझको बाहर निकाल दिया। चल बाहर निकाल, कौन है? हाथी की वोट नहीं डरेगी नल पे? कौन है? हम जाति से ब्राह्मण है, हम जाति से वोट, जो वोट डाल रहे हैं, जो मतलब ये इनको भगाया गया है। देखो आजा, कौन लोग भगा रहा है? कौन लोग भगा रहे हैं? चौकी इंचार्ज राधा कुंड के, और कितने स्टाफ भेजा है, जो डीएम साहब ने भेजा है, जो कप्तान साहब ने भेजा है, कि हमारी औरत शर्म नहीं रखनी है, कि हमारी बहन बेटी शर्म नहीं रखनी है। धक्का मार मार के उनको जो कह रहे सूत्री की लाल कर देंगे तुम्हारी, अगर वोट डालो तो नल पर डालो, पूरा दंगा बढ़ जाएगा। अमेठी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की डीसीएम से जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बाजार शुक्ल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ट्रामा सेंटर के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की आज सुबह की घटना बताई जा रही है। कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लियरिकल त्रुटियों के चलते आशीष की रिहाई मुश्किल हो गई है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आशीष के वकील की तरफ से बेल ऑर्डर संशोधित कराने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी। हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद जारी किए गए संशोधित ऑर्डर पर ही आशीष को रिहाई मिलेगी। कानून की जानकारों के मुताबिक इस हफ्ते आशीष की रिहाई नहीं हो पाएगी। आशीष को जेल से बाहर आने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। जमानत याचिका में हत्या की साजिश का जिक्र नहीं किया गया है, इसके चलते रिहाई में समय लग सकता है। यूपी के अमरोहा के हसनपुर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना सड़क छाप नेता से करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा के साथ जनपद के 4 विधानसभा सीटों से
समूह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए संजय सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच संभालते ही भाजपा की योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को इशारों ही इशारों में सड़क छाप नेता से उनकी तुलना की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पाकिस्तान सटल आती है, हमें पाकिस्तान से डर नहीं लगता, अगर पाकिस्तान से डर लगता है तो भाजपाइयों को लगता है वो चुनाव मैदान छोड़ दें और अपने घर बैठ जाएं। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आज पूरे देश की निगाह यूपी के चुनाव पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से साफ होगी, पूरे देश से की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में भी अपने आशीर्वाद और वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दीजिए, सारे गुंडे माफिया और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को बिल्कुल दुरुस्त करके ठीक कर दिया जाए। आदित्यनाथ जी को, वो हमारे मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन उनकी जो भाषा है वो किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा बोलते हैं, चौराहे छाप नेता। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं कहना चाहता हूँ आदित्यनाथ जी, अरविंद केजरीवाल के परिवार में कोई ग्राम प्रधान नहीं था, इस देश के लोगों ने, इस देश की जनता ने अपने प्यार आशीर्वाद और वोट की ताकत से उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जहां जाते हैं जिन्ना 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 जिन्ना, एक तो भाजपाइयों पे मुझे दया आती है, हिंदुस्तान का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान के नेता के नाम पे। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो आओ उत्तर प्रदेश का चुनाव गन्ना गन्ना करके लड़ो, जिन्ना बंद करो, गन्ना गन्ना करोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के यही किसान उस खेत में लेके जाएगा जहाँ उसने खड़े गन्ने को जलाने का काम किया। करने का दाम देते हैं, चुनाव लड़ने जिन्ना के नाम पे, स्कूल की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूछते हैं स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 300 में बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आदित्यनाथ बाबा चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो कहते हैं शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते। अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे सड़कें चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए और किसान को उसके फसल का दाम चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।